नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स यूनिवर्स में। अब हम नए प्रॉब्लम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस एज, यहाँ पे हमें इक्वेशन दिया गया है, पी इज इक्वल टू पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ओके, हियर पी इज व्हाट प्रेशर। तो पहले हम लोग प्रेशर का जो डायमेंशन है उसे डिटरमाइन करेंगे। प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का डायमेंशन लर्न कर लेना बच्चों, एम वन एल वन टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एरिया मेजर्ड इन मीटर स्क्वायर। तो फिर इसका डायमेंशन आने वाला है एल टू, राइट, विच इज इक्वल टू, अब एल टू ऊपर जाएगा तो बनेगा माइनस टू। इसीलिए आपका प्रेशर का डायमेंशन बनता है एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, राइट। सो इस प्रकार हमें प्रेशर का डायमेंशन मिल चुका है। नेक्स्ट वी इज वॉट वॉल्यूम। सो हम लोग कैपिटल वी से वॉल्यूम डिनोट करेंगे, विच इज मेजर्ड इन मीटर क्यूब। तो इसका डायमेंशन आने वाला है एल थ्री। ओके, एंड कैपिटल टी दिया है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एंड ए बी आर आर कॉन्स्टेंट। ए बी और आर हमें कॉन्स्टेंट दिया है, द डायमेंशंस ऑफ ए पूछा गया है दोस्तों। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यहाँ आपको बॉक्स में प्रेशर प्लस ए अपॉन वॉल्यूम का स्क्वायर दिया हुआ है। हमेशा एक बात ध्यान में रखना है दोस्तों हमें कि सेम क्वांटिटी में हमेशा सेम क्वांटिटी ऐड होती है। फॉर एग्जांपल, टाइम में टाइम ऐड होगा, वॉल्यूम में वॉल्यूम ऐड होगा, तो प्रेशर में प्रेशर ही ऐड होगा। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो डायमेंशन ऑफ प्रेशर आएगा वही यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर आएगा दोस्तों। तो अगर मुझे डायमेंशन ऑफ ए चाहिए तो मैं इस वी स्क्वायर को न्यूमरेटर को लेके जाऊंगा। सो डायमेंशन ऑफ पी मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, डायमेंशन ऑफ पी हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव करके रखा है एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। अब यहाँ पे वॉल्यूम का स्क्वायर है दोस्तों, तो यहाँ पे एल थ्री का आएगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, और एल थ्री का स्क्वायर आएगा एल सिक्स। अब इन्हें मर्ज करते हैं, सो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा दोस्तों एम वन एल माइनस वन प्लस सिक्स प्लस फाइव टी माइनस टू। और दोस्तों इसी प्रकार हमें हमारा आंसर मिल चुका है, विच इज आई थिंक ए, यस करेक्ट। सो आंसर इज ए। ओके, सो नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम हियर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है वो एच सी वी में भी आपको मिलेगा। ओके, सो सेम टाइप का प्रॉब्लम दिया हुआ है। अब देखते हैं इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो इन दिस इक्वेशन व्हाट इज गिवन? इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टू ए टी माइनस टी स्क्वायर, राइट, विच इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स साइन इनवर्स ऑफ इन साइड ब्रैकेट टी अपॉन ए माइनस वन। हमें इक्वेशन देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है दोस्तों यहाँ पे। ओके, एक बात हमें ध्यान में रखना है, सेम क्वांटिटी में सेम क्वांटिटी ऐड होती है, सेम क्वांटिटी में से ही सेम क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट होती है। बस इसी कॉन्सेप्ट पे हमें काम करना है। अब द वैल्यू ऑफ एक्स इज आस्क, यानी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज द क्वेश्चन। सो अब यहाँ पे बेसिकली पहले हम लोग इस टर्म को सॉल्व करेंगे। मुझे एक बात बताइए, साइन इनवर्स ऑफ जो भी ये टर्म दी है टी अपॉन ए माइनस वन, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ सर्टेन थीटा। और दोस्तों जो भी एंगल होता है, साइन हो, लॉग हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन यानी ई हो, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। साइन की जो यूनिट आती है वो रेडियन होती है दोस्तों। रेडियन एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री यूनिट है, और उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। इसलिए इस टर्म का डायमेंशन आएगा एम जीरो एल जीरो टी जीरो, राइट। अब इसका पार्ट यही पे खत्म हो जाता है, यानी कि जो ए रेस टू पावर एक्स है विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ टू ए टी माइनस टी स्क्वायर। अब हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, अब इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कैंसिल, यानी बचता है टाइम, तो टाइम का डायमेंशन आने वाला है टी वन। समझ में आया दोस्तों? अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे अंडर रूट ऑफ टू ए टी माइनस टी स्क्वायर, अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था सेम क्वांटिटी में से ही सेम क्वांटिटी माइनस होगी। अब टी का स्क्वायर यानी सेकंड स्क्वायर माइनस किससे होगा, यानी इस टर्म का भी यूनिट होना चाहिए सेकंड स्क्वायर। सो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर,
आपका डायमेंशन आएगा अंडर रूट ऑफ टी टू यानी सेकंड स्क्वायर में. सो यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर विल गेट कैंसल, तो यहाँ पे भी आपका डायमेंशन आता है टी वन, राइट. सो आपका ए रेस टू एक्स बराबर कितना आएगा दोस्तों, अगर हम डायमेंशनली देखें तो डायमेंशन में आएगा टी वन और यहाँ पे भी डायमेंशन में आएगा टी वन. सो टी वन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इक्वल होने की वजह से टी रेस टू पावर वन माइनस वन विच इज इक्वल टू टी रेस टू पावर जीरो. अगर हम इसको कंपेयर करें इस इक्वेशन को, सो ए रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू आ रहा है टी रेस टू पावर जीरो, यानी कि आपकी एक्स की मैग्नीट्यूड आ रही है दोस्तों जीरो, और यहाँ पे हमारा आंसर आता है सी. तो दोस्तों इस प्रकार अगर आपको इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए सो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए. थैंक यू.